हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज़ टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो लास्ट क्लास में लास्ट पार्ट या सीन वन में हमने देखा कि किस तरीके से लोमोव जो है चुबुकोव के घर आया होता है रिश्ता मांगने अब आगे स्टोरी में क्या हुआ वो जानते हैं आज लोमोव अब जब चुबुकोव जो है चले जाता है नटालिया को बुलाने तो लोमोव अकेले खड़े होकर काफी सारी चीजें सोच रहा होता है इट्स सो कोल्ड आई एम शेकिंग ऑल ओवर लाइक बिफोर आर फाइनल एग्जाम अब उसे जो इतनी नर्वसनेस इतनी घबराहट हो रही होती है कि उसे जो है बहुत कोल्ड फील होता है और वो कहता है कि मुझे तो ऐसी घबराहट हो रही है ऐसा मैं शेक कर रहा हूँ हिल रहा हूँ जैसे कि मेरा कोई फाइनल एग्जाम हो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक अप योर माइंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वेव टॉक अबाउट इट टू मच एंड वेट फॉर द आइडल वुमेन और फॉर ट्रू लव यूल नेवर मैरी

अगर ऐसा ही मैं सोचता रहूँगा कि ये नहीं ये मैं खामिया निकालता रहूँगा तो मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊँगा और मुझे और चाहिए कि नटालिया जो है अच्छी भी दिखती है मतलब एवरेज लुकिंग इतनी बुरी नहीं दिखती एजुकेशन भी है और मैं क्या ही चाहूँगा और जो उसे वापस ठंड लग रही होती है और नर्वस फील कर रहा होता है और वो पानी पीता है इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थर्टी फाइव ईयरस ओल्ड ऑलरेडी एंड दैट एज दिस इज ए क्रिटिकल एज अब ये सही है कि मैं जो है अब शादी कर लू पहली बात तो ये है कि भाई मैं जो है पैंतीस साल का हो गया हूँ और अब अगर अब भी शादी नहीं करूंगा तो मेरी तो उम्र निकल ही जानी है

इंस्टेंट आई गेट टू बैड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ समय राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इन टू माई हेड अः तो यहाँ पे क्या बात हुई लेकिन जब मैं सोता हूँ और जैसे ही मैं सोता हूँ इंस्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो है मेरे दिल में छूरा घोप रहा है स्टेप करना घोपना है ना और उससे वो पूरा मेरे शोल्डर में दर्द होता है और वो मेरे सर में पहुंचता है, है ना इस तरीके से वो बात कर रहा है आई जंप लाइक ए लूनेटिक लूनेटिक पागल मैं जो है पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगता हूँ जंप करने लगता हूँ वॉक अबाउट अ लिटिल एंड देन आई लाई डाउन अगेन बट द मोमेंट आई आई स्टार्ट टू डॉज ऑफ फील इट इट इन साइड अगेन एंड एंड कीप्स ऑन ऑन फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स अब मैं थोड़ा वॉक करता हूँ वॉक करने के बाद वापस सोने लेटता हूँ जैसे ही मैं सो जाता हूँ स्टार्ट टू डॉज ऑफ जैसे ही मैं सोने लगता हूँ डॉज जो है अपन सोने के लिए यूज करते हैं वर्ड है ना स्लीप सोने लगता हूँ वापस से वही चीज होती है और ये चीज कम से कम बीस बार मेरे साथ होती है और लोमोव दोनों खड़े हैं नटालिया एंट्रिंग आती हुई नटेलिया बोलती है इट्स यू एंड पापा सेड अ कस्टमर पे क्या बोलते अच्छा तो तुम हो पापा ने बोला कि कोई कस्टमर आया है वही जो सामान है मेरा उसकी बिक्री वगैरह के लिए हाउ डू यू डू आईवन वेलविच है ना वो पूछते कि तुम कैसे हो लोमोव बोलता है हाउ डू यू डू माई स्टीम स्टेपेनोवा लोमोव भी सेम चीज पूछता है नटालिया आई एम सॉरी अबाउट माई एंड नॉट बींग ड्रेस्ड वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग नटेलिया कहती कि मुझे माफ करना मैं अच्छे से ड्रेस नहीं हुई हुई हूँ एपरिन भी मेरा गंदा हो रहा है हम जो है पीस जो है उनको uh, क्या कर रहे हैं शेल कर रहे हैं उनको ड्राई करने के लिए Where have Have you been yourself? Have a seat. वेयर हैव यू बीन योर सेल्फ हैव अट देू लाइक अइटर ऑफ लंच कहाँ थे तुम कहाँ से आ रहे हो या क्या वो बोलती अब बैठ जाते हैं दोनों बोलती कि तुम खाना खा लो है ना लंच कर लो लोमो बोलता है थैंक यू सो मच बट आई मैंने खा लिया है ऑलरेडी नटालिया बोलती है सिगरेट द मैचिज आर ओवर हेयर ठीक है सिगरेट ही पी लो मैचेज माचिस है ना माचिस यही पर रखी हुई है द वेदर मैग्निफिसेंट टूडे बट ये इट रेंड सो हार्ड दट द मैन कूड नॉट डू अ थिंग ऑल डे लॉन्ग आज का जो वेदर है वो काफी अच्छा है लेकिन कल इतनी तेज बारिश हुई है कि जो मेरे आदमी है सारे काम करने वाले वो एक काम नहीं कर पाए हाउ मच हे डिड यू गेट डन कैन यू इमेजिन आई वॉज सो ग्रीडी दैट आई हैड द होल मीडो मॉन एंड नाउ आई रिग्रेट इट अब बोलती है कि तुम्हें पता है कितना सारा जो है हे जो होता है चारा वगैरह वो निकालना पड़ता है तुम सोच भी सकते हो और मैं इतनी जो है लालची हो गई है ना ग्रीडी होना लालची हो गई कि मैंने जो पूरा मीडो था उस पूरे को जो है क्या किया एक ही बार में सारी उसकी घास जो है कटा दी मौन करना घास काटना अब मैं जो है पछता रही हूँ रिग्रेट करना पछताना आई स्ट दैट ऑल माई हे मे रॉट और मुझे अब डर लग रहा है कि जितना भी मेरा चारा है वो सब सड़ जाएगा रॉट होना सड़ना आई शुड हैव वेटेड मुझे वेट करना चाहिए था बट वॉट दिस आई डू बिलीव यू आर वेरिंग अ मॉर्निंग कोट ठीक है पर बोलती है पर ये क्या है मुझे दिख रहा है किट पहना हुआ है हाउ ओरिजिनल आर यू गोइंग टू अर बॉल और समथिंग क्या तुम किसी बॉल बॉल मतलब बॉल डांस होता है ना डांस करते हैं कपल डांस उसमें जा रहे हो या कहीं जा रहे हो इंसिडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हेन्ड समनेस्टली वाई आर यू ऑल डोल्ड अप तुम जो है काफी हैंसम होते जा रहे हो लेकिन अच्छा बताओ तुम जो इतना तैयार क्यों हुए हुए हो लो नावस होके बोलता है यू सी माई एस्टीम्ड मेड टू आस्क यू टू लिसन टू मी नेचुरली यू विल बट आई असाइड गॉड इट्स कोल्ड है ना अब क्या होता है कि भाई लोमऑफ जो है वो बोलता है कि मैं जो है यहाँ किसी काम से आया हूँ और जब वो तुम सुनोगी बात तो हो सकता है कि तुम सरप्राइज भी हो जाओ शॉक भी हो जाओ तुम्हें गुस्सा भी आए और वो साथ में बोलता है कि बहुत यहाँ पे ठंड लग रही है मुझे नटालिया बोलती है वॉट इज इट पॉज लेती है फिर वो फिर बोलती है वेल well. लमव बोलता है आई ट्राई टू बी ब्रीफ यू आर वेल अवेयर माई एस्टीम्ड नटालिया स्टेपनोवा दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ इनफैक्ट सिंस माई चाइल्ड हुड आई हैव हैड ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली अब लोहो बोलता है कि मैं तुम्हें जो है आराम से समझाता हूँ नटालिया कि आप जैसे तुम मेरे बचपन से ही जानते हो कि तो मुझे ये ऑनर मिला है हमेशा तुम्हारी फैमिली को अच्छे से देखने का उनसे टाइम स्पेंड करने का माई लेट आंट लेट यहाँ पर किसके लिए बोला जाता है जो मर चुका है ना एना हसबेंड हुज एस्टेट यू नो आई इनहेरिटेड ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अटमोस्ट एस्टीन जो मेरी जो आंट है जो मर चुकी है वो और उनके हस्बैंड जिनका भी अभी जो लैंड है वो मेरे पास है मुझे विरासत में मिला है वो हमेशा जो है तुम्हारे जो हैं मदर को जो मर चुकी हैं वो और तुम्हारे फादर को जो है हमेशा मतलब प्रशंसित करते हैं द लोमो फैमिली एंड द चुबको फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली वन माइट इवन से इंटीमेट रिलेशंस लोमो फैमिली और चुबको फैमिली ने हमेशा एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया जिसको ऐसा इंटीमेट रिलेशनशिप बोला जा सकता है मतलब काफ़ी ख़ास काफ़ी जुड़ा हुआ रिलेशनशिप बोला जा सकता है फॉर्म मोर एज यू नो माई प्रप प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स और अगर उसके अलावा और तुम्हें भी पता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पास में ही है अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है वापस वही पार्टनरशिप वही बिजनेस एक्सपेंशन वाली चीज है तो यहाँ पे जो है मतलब के लिए ही शादी हो रही है Perhaps you will be so kind as to recall that my ox meadows run along your birch forest. शायद तुम जो हो तुम्हें पता याद हो कि भाई जो मेरा ox meadows है वो तुम्हारे birch forest के बिल्कुल जुड़ा हुआ है birch एक tree होता है उसका पूरा जंगल है, ना? Natalia बोलती है Excuse me for interrupting you. You said my ox meadows are they yours? आप Natalia बोलती है कि मुझे माफ करना तुम्हें interrupt करने के लिए बीच में रोकने के लिए लेकिन क्या ox meadows तुम्हारा है लोमो बोलता ऑफकोर्स हाँ मेरा है नटालिया बोलते हो कम नाउ द ऑक्स बिलोंग टू अस नॉट यू अब नटालिया बोलती कि ओ कम ऑन यार जो ऑक्स मीडोज है वो हमारा है तुम्हारा नहीं लोमो बोलता ओ नो दे आर माइन डियर नटालिया स्टेपेनोवा अब लोमो बोलता नहीं वो हमारा है मेरा है डियर नटालिया

वो तो हमेशा से ही हमारा तो जब से मुझे याद है नटालिया बोलती है एक्सक्यूज में बट दिस इज टू मच अब नटालिया को जो है गुस्सा रहा होता है कि भाई बस बहुत हो गया ये बहुत ज्यादा हो रहा है लोमो बोलता है यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स जेन नटैलिया स्टेपेनोवा एट वन टाइम देअ अबाउट राइट क्वेरल्स झगड़े तो अब जो है वो बोलता है कि नटैलिया तुम डॉक्यूमेंट देख लो वो हमारा है हाँ तुम ठीक हो तुम सही कह रही हो कि हाँ एक बार जो एक बार जो है इसमें झगड़ा हुआ था कि किसका है, किसका है किसका नहीं है है ना अब इसके आगे की स्टोरी में क्या हुआ वो अब नेक्स्ट सीन में पता चलेगा तुम्हें है ना तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे यह अपने ही लालच के चक्कर में अपनी ही वजह से अपने ही आर्ग्यूमेंट्स के चक्कर में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है बिगाड़ लेंगे और ऐसा ही जो है आगे काफी लंबा चलता रहेगा तो है एक बात शांत होंगे हो पालपिटेशन का मरीज है दड़का ने ऊपर नीचे कर लेगा तो हो गया काम है ना तो ऐसा ये चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और आगे और इंटरेस्टिंग है तुम पढ़ोगे इसे तो मजा आएगा तो अभी तुम्हारा काम क्या है वापस इस चैप्टर को जो अपने दिमाग में डालो समझो है ना जो वर्ड्स नहीं आ रहे उन्हें समझो उनकी डिक्शनरी में मीनिंग्स निकालो ताकि तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो जाए अब ये क्लियर होने के बाद पार जो पार्ट वन है उसको भी क्लियर रखना रिवाइज कर लो साथ में कंटिन्यू यहाँ तक ताकि तुम जो हो एकदम तुम्हें यहाँ पक्का हो जाए बार बार तुम्हें पढ़ना नहीं पड़े चैप्टर अब अगले पार्ट में जो है हम इसके आगे की कहानी जानेंगे तब तक के लिए आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो भाई बहुत देख रही हूँ मैं लाइफ सेट चैट में बच्चों को है ना तो अब तुम्हें क्या करना है फोकस के साथ पढ़ना है तो एप्लीकेशन पर पढ़ लो तुम हो और हम हैं बस और कोई नहीं है तो फोकस रहेगा फोकस के साथ पढ़ोगे तो ही ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारे टेक्स्ट में से आता है कि भाई ये कहाँ लिखा था अच्छा ये लाइन कहाँ से है जो क्या इंडिकेट कर रही है तो तुम्हें सारी चीजें जब भी मैं लाइन वाइज पढ़ाती हूँ चैप्टर क्यों पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें पूरा पूरा इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए न्यू आंसर दे दो है ना इसके अलावा इंस्टाग्राम टेलीग्राम की बात करूँ तो कोई भी क्वेरी है वो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर आप सारे टीचर्स के हैंडल्स जानते हो उनसे बात कर सकते हो पर्सनली और टेलीग्राम की बात करूँ तो पी वगैरह अवेलेबल हो जाती है और वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाती है तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे